गजीबो धाबा एंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा, रांच शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, इवेंट एंड पार्टी स्पेस, सिटिंग कैपेसिटी 120+, पार्किंग अवेलेबल। द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन, गजीबो धाबा एंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। एक बच्ची के पैर में डॉक्टर ने निडिल ही छोड़ दिया है। दरअसल 28 सितंबर 2023 को 3 साल की बच्ची एमन शफीक खान को निमोनिया होने की वजह से भर्ती कराया गया था। इसके बाद डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और बच्ची को पैर के ज़रिए एक निडिल डालनी होगी। पिता शफीक खान ने हाँ कर दी और कागजात पर दस्तखत भी कर दिए। फिलहाल बच्ची डेंजर कंडीशन से बाहर है, लेकिन डॉक्टर ने जो निडिल बच्ची को लगाई थी वह अब भी उसके पैर में फंसी हुई है। वहीं कलवा अस्पताल का कहना है कि इसे निकालने के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डॉक्टर की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए आपको जेजे हॉस्पिटल या केप हॉस्पिटल में बच्ची को शिफ्ट करना होगा। बच्ची के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। क्या हुआ था और किस तरह से आप इस हॉस्पिटल में आए, किसके लिए? मेरी बच्ची को निमोनिया हो रहा था, तो निमोनिया जो है वो यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर ने कंफर्म किया, तब बताया। वहाँ पे बच्ची बीमार थी, थोड़ा सा उसकी कंडीशन डाउन हो गई थी। हम लोग कल्याण के रुक्मणी भाई हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ से उन्होंने बोला कि उसको अर्जेंट शिवाजी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर आए, उस दिन बच्ची शाम तक थी। शाम में डॉक्टर ने बोला कि बोले उसको ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। वेंटिलेटर पर डाले, 12 दिन तक बच्ची वेंटिलेटर पे थी। 12 दिन के बाद वेंटिलेटर से आउट हुई। वेंटिलेटर पे आउट होने के बाद 2-3 दिन बाद वो बता रहे थे कि उसकी जो है वेंस नहीं मिल रही है, वेंस फ्लो लगाने के लिए तो सेंट्रल लाइन बोल के कॉर्ड होता है वो डालना पड़ेगा। तो वो हाँ बोला था मैंने, क्योंकि बच्ची को सलाइन वगैरह चढ़ाना जो ज़रूरी था। तो उसके बाद में फिर वो जब वो प्रोसीजर कर रहे थे उस वक्त हम लोग को बाहर कर दिए थे। वो कब किए क्या किए पता नहीं, बाद में उन्होंने बताया कि वो करते वक्त में उसमें जो है एक कॉर्ड रह गया है और वो कॉर्ड जो है वो हम लोग निकाल के देंगे डिस्चार्ज में। मतलब वो कितना गंभीर है, कौन निकालेगा, क्या निकालेगा उस वक्त तो नहीं बताया गया था। तो उस वक्त तो मुझे आश्वासन दिया गया था कि आप टेंशन मत लो, बोले इससे कुछ होगा नहीं बच्ची को, 3 महीने का समय है, 3 महीने में उसको कभी भी निकाल सकते हैं, बच्ची अभी थोड़ा सा रिकवर हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग जो है पूरा उसका इलाज करके वो आपको कॉर्ड निकाल के उसको ओके करके फिर डिस्चार्ज करके आपको भेजेंगे। तो इसलिए मैंने उसके ऊपर फिर ज़्यादा कुछ ये किया नहीं। तो जब ये सब हो गया तब मैं एग्री किया, तो उसके बाद में उन्होंने मुझसे कंसर्न साइन करवा के लिया कि आपको जो है इसके जो है परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब हमने तुम्हारे को बता दिया पहले ही। तो जब मैं पूछा उनसे तो बोले नहीं अभी जो बताया ना हमने कि ऐसा हुआ वही है, बोले ये कुछ नहीं है। तो ऐसा बोल के उस वक्त मुझसे साइन ले लिया, पहले मुझसे कुछ ऐसा साइन नहीं लिया था। तो मैं भी अभी चलो डॉक्टर है, अभी इतना बोले है, अभी आगे इलाज बाकी है बच्ची का, तो उस हिसाब से एक डॉक्टर को थोड़ा लिबर्टी और उनको जो है अपने इलाज के लिए फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उस वजह से यस बोल दिया था। बट बाद में अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर जयेश ने मुझे बोला कि बोले तुम्हारे बच्चे को बोले है हम लोग जे जब प्राइवेट तुम जहाँ बोलोगे जो हॉस्पिटल में बोलेंगे वहाँ लेके जा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला सर आप जब ऐसा बोल रहे हो तो इसका खर्चा जो है वो कौन देगा? तो बोले इसका खर्चा आप देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने बोला था कि आप दोगे, उस वक्त मुझे ऐसा बोला था कि डिस्चार्ज से पहले तुम्हारा ये निकाल के कॉर्ड क्लियर करके तुमको बच्ची को फिर डिस्चार्ज करेंगे, तो अभी आप ऐसा बोलते? तो उस वक्त उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था। वो डॉक्टर है, उन्होंने जवान दिया था, इसके लिए मैंने उस पर कोई लिखित लेना या ऐसा ऐसा नहीं समझा। मतलब डॉक्टर है, जब इस तरह का आश्वासन दे रहे तो ज़रूर करेंगे। तब उन्होंने जो है वो ऐसा बोला कि तुमको खुद खर्चा करना पड़ेगा। बाद में उन्होंने बताया कि इसको बोले जे जे में अभी 2 दिन पहले
कि इसको जेजे में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सर्जन लगता है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो बच्ची को सैटरडे को यानी कि कल वहाँ पर जेजे में ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ से उसको इलाज होके वहीं से डिस्चार्ज होगा। तो कितना तारीख को आपने एडमिट किया, अभी कितना दिन हुआ टोटल? मैंने 28 सितंबर को एडमिट किया था, तो लगभग एक महीना हो ही गया है आज। तो कहने का मतलब जो ये लापरवाही हुई है आपके हिसाब से किसकी लापरवाही है? अब ये तो मुझे बोलना मतलब तो किसकी वजह से है या कैसे हुआ मुश्किल है, क्योंकि हम लोग उस वक्त नहीं थे और हम मेरा मेंटल स्टेटस भी उस वक्त बोले इतना प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। तो जो भी काम को डॉक्टर पे ही बिलीव करना था और डॉक्टर के जो बोलने पर हम लोग उतना ही काम करते थे, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैंने बोला ना कि डॉक्टर को लिबर्टी देना था या एक ऐसा फ्रीडम देना था कि वो मेरे बच्ची के इलाज के लिए प्रॉपर फैसला ले पाए। बच्ची कितनी वर्ष की है? अभी 3 साल 3 महीने की, जब आई थी 3 साल 2 महीने की थी, तो 1 महीने कंप्लीट हो गया, तो 3 साल 3 महीने की है। आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक खान है और कल्याण में रहता हूँ मैं। वरिष्ठ डॉक्टर से कुछ बात हुई है क्या इस मामले में? वरिष्ठ डॉक्टर मतलब जिस वक्त कॉर्ड अटका था उस वक्त वहाँ की HU जो थी वो मैडम भी थी, और जो है वहाँ पे जयेश सर भी थे, शैलेजा मैडम भी थे और अदर्स टीम मेंबर भी थे उनके। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी बच्ची को ठीक करके देंगे? हाँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि कॉर्ड से जो है आपकी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेकिन बच्ची को हेल्थ इम्प्रूवमेंट होना अभी ज़रूरी है, बाद में हम जो है वो तुमको ये कॉर्ड वगैरह निकाल के और पूरा बच्ची को ठीक करके मतलब फ्री डिस्चार्ज करेंगे, आपको कोई इशू आने नहीं देंगे। अभी आपका क्या करना है, क्या चाहते हैं? अभी जैसे उस वक्त बोला गया था कि हाँ बाबा हम जो है डिस्चार्ज करने से पहले जो है ये जो कॉर्ड वगैरह निकाल के उसको नॉर्मल करके देंगे, तो वही बात पे कायम रहना चाहिए। तो खर्चा अभी मुझे बोला गया है कि भाई अभी तुमको करना पड़ेगा, तो इस सिलसिले में अभी हम लोग ने डीन से मिले, तो डीन सर ने बोला कि बोले नहीं ठीक है, हम लोग जो है यहाँ से आने जाने का एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर देंगे आपके लिए, तो जो भी कुछ खर्चा रहेगा वो हम लोग करवा के दे देंगे। पहले डॉक्टर मतलब एक बार कमिटमेंट कर दे, जब सिचुएशन बैड थी जब उनके ऊपर कुछ एक्शन हो सकता था तब बोले कि हाँ भाई हम तुमको क्लियर करके देंगे, और जब 2-4 दिन निकल गए तो बाद में बोलते कि नहीं बोले खर्चा तुमको करना पड़ेगा।